अभिनेता जैकी श्रॉफ की बेटी और टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ अक्सर सोशल मीडिया पर बोल्ड लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं। अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका बोल्ड लुक देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में कृष्णा श्रॉफ रेड कलर की बिकनी में पोज देती नजर आ रही हैं। उनकी बॉडी पर बने टैटू उनके लुक को और सेक्सी बना रहे हैं। फैंस भी कृष्णा की इन तस्वीरों को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में वो स्क्वाट्स और डेडलिफ्टिंग करती नजर आ रही हैं। उनके फोटोज वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अभिनेत्री नौरा फतेही अक्सर अपने डांस के लिए सुर्खियों में छाई रहती हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपनी तस्वीरें और हॉट वीडियो शेयर करती रहती हैं। नौरा ने हाल ही में अपने कुछ वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किए हैं, जिनमें वह जिम में वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। तो कुछ वीडियो में नौरा एक्सरसाइज के साथ साथ डांस करना शुरू कर देती हैं। यह सभी वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हैं। फैंस को नौरा के यह सभी वीडियो काफी पसंद आ रहे हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो नौरा अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त के साथ आगामी फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आएंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इस वीडियो को लेकर कंगना को काफी ट्रॉल किया गया और अब कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया है, जिसमें वह उन ट्रॉलर्स पर निशाना साध रही हैं जो इसराइल को लेकर उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कंगना ने नोट में लिखा, आप सभी वीडियो में देख सकते हैं कि जब इसराइल बना है बहुत गलत तरीके से नहीं बना है। उन्होंने इसे ब्रिटिश से स्वतंत्रता पाई है और उन्हें यूनाइटेड नेशन की सहायता से बसाया गया है। 6 मुस्लिम देशों ने उन पर आक्रमण किया। इसके बाद हर बार जब उन पर आक्रमण किया गया वह अधिक जमीन कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि जब आप जंग जीते हैं तो यही करते हैं। जो लोग रो रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानती, तो बेटा मैं सभी पिताओं की माँ हूँ, आगे से औकात में रहकर बात करना। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिद भी आपकी पट भी आपकी। आप लोगों ने इसराइल को अवैध कैसे कहा? क्या इस विश्व में उनका स्थान नहीं है? बेवकूफ बनाकर रखा है सारी दुनिया को, गुंडागर्दी करना चाहते हैं, लेकिन जब सामने से कोई और करे तो रो रो के छाती पीटना, सारी दुनिया सर पर उठा लेना, बिकाऊ मीडिया और बेवकूफ लोगों को यूज करके गलत नैरेटिव चलाना। शर्म कर लो, तुम्हारी पोल सारी दुनिया में खुल गई है और मेरे बारे में कुछ बोलोगे तो नंगा कर दूंगी। कंगना अक्सर अपने बेपाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। वह किसी भी मुद्दे पर अपनी राय सामने रखने से नहीं हिचकिचाती। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने पिछले हफ्ते साझा किया था कि उनके परिवार के कई लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और अब रविवार को शिल्पा ने एक मजेदार तस्वीर शेयर कर बताया कि कोरोना में प्यार कैसे किया जा रहा है। शिल्पा, जिनकी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में अभिनेत्री अंदर दिखाई दे रही हैं, जबकि उनके पति राज घर के बाहर खड़े हैं। दोनों के बीच एक कांच की खिड़की है और वे एक दूसरे को देख रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 7 मई को शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर साझा किया था कि उनके पति राज कुंद्रा, बच्चे समीशा और वियान और उनकी मां सुनंदा, साथ ही ससुराल वाले भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। हाल ही में शिल्पा का टेस्ट नेगेटिव आया है, जबकि बाकी लोग अभी भी आइसोलेट हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री की 2 फिल्में लाइनअप है। वह 2003 की हिट हंगामा की अगली कड़ी हंगामा 2 में दिखाई देंगी। इसके अलावा शिल्पा फिल्म निकम्मा में भी नजर आएंगी, जिसमें अभिमन्यु दसानी और शर्लिन सेतिया भी हैं। INS रिपोर्ट।